देना। ये प्रोग्राम कितने सालों से हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपको इमाम ज़माना अजल तआला फ़रजल शरीफ की मुबारकबाद बहुत बहुत हो। ये आप जो जश्न देख रहे हैं हुसैनाबाद के घंटाघर तालाब पर, इस जश्न को मनाते हुए तकरीबन 60 साल से ज़ायद हो गए हैं और इस जश्न को कायम करता सैयद हुसैन साहब थे मरहूम, जो कि स्विमर भी थे और स्विमिंग सबको सिखाया करते थे। उन्हीं का ये कायम करता किया हुआ जश्न है, लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल से ज़ायद हो चुके हैं और जो आज भी जारी है सारी है। अब इनके इस काम को उनकी औलाद अकबर जनाब मोमिन साहब इसको बढ़ाए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनाबाद के लोगों का ताऊन भी इसमें शामिल हाल है और इसमें दिन ब दिन कुछ ना कुछ इजाफा होता चला जा रहा है। जैसा कि अभी आप देखेंगे कि रौज़ा जनाब मुस्लिम अखील अलैहिस्सलाम से, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब झूला जो है बरामद होकर इस जगह नज़र इमाम ज़माना दी जाती है कि घंटे का तालाब यहाँ पर भी आएगा और उसकी ज़्यारत तमाम उम्मीद करेंगे। और इस जगह पर लखनऊ से ही नहीं बैरून मुल्क से भी लोग आते हैं इस प्रोग्राम को करने के लिए, तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँची हो एक मरतबा वो ज़रूर आएँ यहाँ की ज़्यारत करने। कितनी मुनासिबत से प्रोग्राम हो रहा है, किसकी मुनासिबत से? ये मुनासिबत जो है जो हमारे 12वें इमाम इमाम हज़रत मेहंदी अजलता फरजा शरीफ, जिनकी पैदाइश सन 255 हिजरी की बताई जाती है, जो कि अब गैबत कुबरा में हैं, उनकी मुनासबत से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और उन्हीं की पैदाइश की मुनासबत से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है। और अभी आप देख रहे हैं जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं आपको, ये झूला जो कुछ सालों से इन्होंने कायम करदा किया हुआ है गुंचा मेहंदिया के नाम से अंजुमन है उसने, और जनाब मुस्लिम इस्लाम से ये आ रहा झूला और इंशाल्लाह ये जो है जहाँ तक की जाएगी वहाँ तक जाएगा, जो कि हुसैनाबाद तालाब का अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पर जाएगा। रात को उसने अमान अमान इमारत अमानत को अमान।
کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، سب لوگ خواہشات کے اب ہو گئے غلام، ابلیسیت کا دور ہے بے پردگی ہے عام، پینے لگے لہو ہے تو کھانے لگے حرام، کہتا ہے دل کے بس ابھی آ جائیے ماں، آ جائیے ماں، آ جائیے ماں، گر دیر ہے مشیت پروردگار میں،